ये है हमारा रीसेट का मॉडल। हम लोगों को पहले क्या करना है, चेक करना है कि देखिए यहाँ पे तीन लाइट चल रहा है रीसेट में और यहाँ पे दो लाइट अप डाउन करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अगर ये तीन लाइट अगर कंटिन्यूसली चल रहा है और ये दो अप डाउन कर रहा है, दैट मीन्स ये सही कंडीशन में है, रीसेट सही कंडीशन में है। अगर मानिए कि यहाँ पे बस एक ही लाइट चल रही है, पावर वाला लाइट चल रहा है, ठीक है, तो तब हमको चेक करना पड़ेगा कि इसके पीछे कितना केबल है। देखिए यहाँ पे टोटल चार केबल लगा हुआ है, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल चार केबल लगा हुआ है, ठीक है। अभी देखो ये आपका केबल अगर कहीं पे लूज होता है तो इसको टाइट से लगाना है, ओके। अभी ये अगर सही तरीका से आ गया तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि इसका राउटर जो है, ये वाला डिवाइस सही है कि नहीं, ठीक है। अगर ये वाला डिवाइस में लाइट नहीं जलता है तो ये एक केस है। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ये वाला डिवाइस ऑन है कि नहीं, और ये जो लैन केबल है ना, ये जो लैन केबल है ये इसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं। ये G0 है, ये MGMT G0 है, ठीक है, देख सकते हो आप MGMT G0, ये VSET के पीछे मॉडेम के पीछे से ये डायरेक्टली कनेक्ट होगा MGMT G0 पे। ये कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए और यहाँ पे LED ग्लो करना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो मुझे कॉल करो, और एक चीज जरूर देख लेना कि यहाँ पे सिम का लाइट जल रहा है कि नहीं। यहाँ पे सिम जलेगा, यहाँ पे 2G 3G जलेगा, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा चेक करके अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मिसमैच हो रहा है तो मुझे कॉल करो, ठीक है। और पीछे वाला अगर राउटर ऑन ऑफ है तो पीछे वाला केबल के बाद देख लेने के लिए। राउटर तो ऑफ है, हाँ ठीक है, हाँ।